good morning students myself krishan kumar behalf of Surah schools today i am deliver a lecture on a chapter 5 arithmetic progressions exercise 5.1 and question number fourth today i am explained so let's start student yes students today's our chapter is a five Arithmetic Progressions Exercise Five Point One and question number four part first two four eight sixteen and so on okay students we have this sequence and some is say which of the following are ap's hame I mean, uh, we have a total 15 some in this question and uh, some uh, statement is say that uh, which of the following are ap's if they are they form an ap they form an ap then find the common difference d and write the three more terms so beta first of all uh, we decide it is an ap or not It is an A.P. or not? So, beta how to decide? Firstly, we find the d. d means common difference. And d find out karne ke liye beta d is equals a2 minus a1. Okay, बेटा. Uh, for example, here is the four terms. One, two, three, four. It means uh, हम यहाँ पर, बेटा, three uh, d find out कर सकते हैं. Total कितने d find out कर सकते हैं? Three. सो so, बेटा फर्स्ट डी मैंने निकाला डी इज इक्वल्स ए टू माइनस ए वन ए टू माइनस ए वन ए टू यानी कि सेकेंड ट्रम सेकेंड ट्रम इज आ फोर फोर माइनस ए वन ए वन इज आ टू फोर माइनस टू सो डी इज इक्वल फोर माइनस टू टू फोर माइनस टू टू डी इज इक्वल्स टू ओके बेटा अभी हम नेक्स्ट सेकेंड डी निकाल रहे हैं डी इज इक्वल अभी हमने ए टू और ए वन के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट किया था बेटा डी निकालने के लिए क्या किया जाता है हम ए पी की कोई भी ट्रम पिकअप करते हैं एक्सेप्ट फर्स्ट बिकॉज हमें उस ट्रम में से उसकी प्रीसीडिंग ट्रम सब करनी होती है सो so बेटा यहां पर हम फर्स्ट ट्रम को छोड़कर कोई भी ट्रम पिकअप कर सकते हैं हमने सेकेंड और फर्स्ट के रेस्पेक्ट में यहां पे सेकेंड और फर्स्ट के रेस्पेक्ट में पहला डी फाइंड आउट किया अभी बेटा हम थर्ड और फोर्थ सॉरी थर्ड और सेकंड के रेस्पेक्ट में सो so, यहाँ पर बेटा ए थ्री माइनस ए टू सेकेंड और थर्ड के रेस्पेक्ट में डी फाइंड आउट कर रहे हैं बेटा सो डी इज थर्ड टर्म थर्ड टर्म फर्स्ट सेकेंड थर्ड थर्ड टर्म इज अट माइनस सेकेंड सेकेंड इज फोर सो बेटा डी इज इक्वल एट माइनस फोर फोर एंड बेटा हेयर

Uh, हम अभी यहां पर क्या करते हैं बेटा नेक्स्ट एक और पार्ट लेते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बेटा यहां पे मैंने एक पार्ट लिया पार्ट नंबर टेंथ ten. पार्ट नंबर टेन टेंथ पार्ट यहां पर है बेटा ए टू ए थ्री ए फोर ए एंड सो ओन ओके बेटा सो डी हम फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट डी जो कि हम बेटा ए टू सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट कर रहे हैं ए टू ए टू यानी कि टू ए माइनस ए वन ए वन इज ए तो बेटा डी टू ए माइनस ए ए अपने पास ए आ गया नेक्स्ट बेटा सेकेंड डी हम फाइंड आउट कर रहे हैं सेकेंड डी हम बेटा uh, किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे थर्ड एंड सेकेंड टर्म के रेस्पेक्ट में ए थ्री माइनस ए टू ए थ्री माइनस ए टू इज इक्वल ए थ्री ए थ्री यानी कि थर्ड टर्म फर्स्ट सेकेंड थर्ड थर्ड टर्म इज आ थ्री ए माइनस ए टू ए टू इज आ टू ए सो so, बेटा d इज इक्वल्स थ्री ए माइनस टू ए ए फर्स्ट डी इज इक्वल्स ए सेकेंड डी इज इक्वल्स ए इट्स मीन्स बेटा हमें थर्ड डी और फाइंड आउट करना होगा बेटा जितनी भी टर्म्स हमें गिवन है उन सभी के रेस्पेक्ट में हमें डी फाइंड आउट करना होगा इन दिस हैव अ फोर टर्म्स इट मीन्स हम थ्री डी फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा तीनों निकालेंगे सो थर्ड डी अपना है ए फोर माइनस ए थ्री ए फोर ए फोर इज आ फोर ए माइनस ए थ्री एज आटा डी इज इक्वल फोर ए माइनस थ्री ए ए तो ये अपने पास डी की वैल्यू आ गई तीनों वैल्यू डी की क्या है बेटा सेम है इज द ऑल द वैल्यू ऑफ डी ए आर सेम सो बेटा सभी वैल्यू सेम है तो यहां पर हम क्या करेंगे बेटा देन बेटा वी आर फाइंड द नेक्स्ट थ्री टर्म्स नेक्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड आउट करेंगे बेटा यहाँ पर सो so, अपने पास फर्स्ट सेकंड, थर्ड फोर्थ फोर्थ टर्म गिवन है बेटा हमें फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है यानी कि ए फाइव ए फाइव सो बेटा ए फाइव हम यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं ए फाइव यानी कि फिफ्थ टर्म हमें फाइंड आउट करनी है फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है सो so, बेटा फिफ्थ टर्म ए प्लस ए प्लस वन माइनस करेंगे बेटा इस फाइव में से क्या माइनस करेंगे वन फोर ए प्लस फोर डी दैट इज नोन एज अ फिफ्थ ट्रम ओके स्टूडेंट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए अ ए प्लस फोर इंटू डी डी इज अ ए ए प्लस फोर ए दट इज आ फाइव ए फिफ्थ टर्म आ गई अपने पास फाइव देन बेटा नेक्स्ट सिक्स्थ टर्म सिक्स्थ टर्म क्या होगी ए प्लस सिक्स में से वन माइनस करेंगे फाइव d डी ए फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म इज a आल्सो प्लस फोर फाइव इन डी डी इज आ

ए प्लस सिक्स ए सेवन ए तो ये अपने पास बेटा इसकी नेक्स्ट थ्री टर्म्स हमने फाइंड आउट की और ये हमने इस सम को फोर्थ क्वेश्चन के टेंथ पार्ट को यहां पर एक्सप्लेन किया है क्लियर स्टूडेंट ओके देखिएगा नेक्स्ट एक और पार्ट बेटा हम यहां पर एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पार्ट नंबर थर्टीन पार्ट नंबर थर्टीन रूट थ्री कोमा रूट सिक्स कोमा रूट नाइन कोमा रूट ट्वेल्व कोमा एंड सो ऑन ओके बेटा ये हमें एक सीक्वेंस गिवन है इस सीक्वेंस में हमें क्या करना है बेटा हमें यहां पर सबसे पहले डिसाइड करना है इट इज एन ए पी और नोट ये एपी है या नहीं है ये ए पी है या नहीं है सो so, बेटा क्या करेंगे सबसे पहले हम डी फाइंड आउट करेंगे डी डी फाइंड आउट करने से पहले बेटा यहां पर देखिए व्हेन द सीरीज इन इज इन स्क्वायर रूट देन बेटा हम उसको कन्वर्ट करेंगे पहले कोई भी ट्रम जो हमें गिवन है उनमें कोई परफेक्ट पार्ट है स्क्वायर रूट में तो हम उसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे पहले जैसे फॉर एग्जांपल रूट थ्री है थ्री थ्री इज नॉट अ परफेक्ट सो दैट इज राइट एज इट इज रूट थ्री कोमा सिक्स सिक्स इज आल्सो नॉट अ परफेक्ट सो दैट इज आल्सो रूट सिक्स नाइन नाइन इज अ परफेक्ट नाइन इज अ स्क्वायर ऑफ थ्री इट्स मींस दैट इज राइट एज थ्री ट्वेल्व ट्वेल्व को बेटा हम क्या लिख सकते हैं जो ट्वेल्व है अपने पास बेटा हम उसको राइट कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे आपको एक बार राइट करके दिखाता हूँ जैसे कि स्टूडेंट yes, देखिएगा जैसे कि अपने पास ये ट्वेल्व है रूट में रूट ट्वेल्व तो बेटा मैं इसको राइट कर सकता हूँ थ्री इंटू फोर फोर थ्री ट्वेल्व क्योंकि फोर यहाँ पर परफेक्ट है एंड दैट इज फोर का स्क्वेयर रूट बेटा टू टू रूट थ्री तो मैं इसको ट्वेल्व को क्या लिख सकता हूं बेटा टू रूट थ्री एंड सो ऑन ओके स्टूडेंट्स तो ये अपने पास सीरीज कन्वर्ट हो गई तो बेटा यहां पर हम अभी डी फाइंड आउट करेंगे डी इज इक्वल ए टू माइनस ए वन ए टू सेकेंड ट्रम फर्स्ट सेकेंड यानी कि रूट सिक्स माइनस रूट थ्री रूट सिक्स माइनस रूट थ्री रूट सिक्स माइनस रूट थ्री तो बेटा हम यहां पर इस रूट uh, सिक्स को क्या लिख सकते हैं रूट थ्री इंटू रूट टू माइनस रूट थ्री अभी यहां पर रूट थ्री कॉमन है बेटा रूट थ्री इंटू में रूट टू माइनस वन ये अपने पास डी आ गया बेटा दैट इज द वैल्यू ऑफ डी ओके बेटा सेकेंड डी निकालते हैं सेकेंड डी इज इक्वल ए थ्री माइनस ए टू ए थ्री माइनस ए टू तो यहां पर ए थ्री माइनस ए टू जो है बेटा अपने पास ए थ्री थर्ड टर्म थर्ड टर्म इज आ थ्री थ्री माइनस ए टू ए टू इज आ रूट सिक्स तो बेटा थ्री को लिखा जा सकता है रूट थ्री इंटू रूट थ्री और सिक्स को लिखा जा सकता है रूट थ्री इंटू रूट टू तो यहां से बेटा रूट थ्री इज कॉमन सो फर्स्ट से अपने पास बचा रूट थ्री और सेकंड से रूट टू दे आर नॉट इक्वल सो क्या है ये बेटा इट्स नॉट एन ए पी इट्स नॉट एन एपी आई होप स्टूडेंट्स एवरी वन बी अंडरस्टूड ओके okay, स्टूडेंट्स आज के लिए सफिशिएंट है ये ओके okay, बाय